गंगा नदी में मची साथियों बुरी तरह से तबाही और रोया धाड़। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि परिजनों का रो रो कर हो गया है हाल बुरा। जी हाँ, 15 लोगों से भरी नाव गंगा नदी में बुरी तरह से डूब गई। पूरा का पूरा गांव साथियों इकट्ठा हो चुका है। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि टीमें तैनात कर दी गई हैं। अभी की जो खबर इस वक्त की निकल कर सामने आ रही है साथियों, भयंकर भीड़ जमा हो चुकी है। मेरठ के हस्तिनापुर में मंगलवार सुबह गंगा में नदी में साथियों नाव डूबने से बड़ा हादसा हो गया है। 10 लोगों को किसी तरह तैरकर बाहर निकाला गया है। वहीं अभी भी 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसे का पता चलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पीएसी के गोताखोरों भी भेजे गए हैं। मौके पर डीएम और एसएसपी भी पहुंच चुके हैं। साथियों बता दें कि मेरठ से 45 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर के भीमकुंड पुल के पास मंगलवार सुबह 15 से 16 लोगों की नाव भरी साथियों पानी में डूब गई गंगा नदी में। बताया जा रहा है कि नाव गंगा के तेज बहाव में डूब गई है। घटना की सूचना एसपी देहात केशव कुमार भी मौके पर पहुंच गए हैं। एसपी देहात केशव कुमार ने बताया कि बचाव के लिए पुलिस के पीएसी भी लगाए गए हैं जो तैर कर बाहर आए। उन्होंने बताया कि 15-16 लोग थे जिनमें से अभी 6 लोग नहीं मिल रहे हैं। मौके पर हस्तिनापुर मावना थाना पुलिस भी पहुंच गई है।